राघव सर्वे साहब आइए आइए। क्या बात है कर्वे साहब, बड़ी खुशी हुई जो आप पधारे। अरे आपने इतने प्यार से बुलाया राघव ने, क्यों नहीं आता राघव? अरे शरद बिशप बता रहा था आप लोगों को, आप है थोड़ो केशव कर्वे, जिन्होंने दुनिया की ठुकराई हुई बेघर की हुई स्त्रियों को अपनी माँ और बहन का दर्जा दिया। राघव यहाँ पर इनकी जो संस्था है, हर वर्ष 2000 स्त्रियां इनकी संस्था के कर्मचारियों को सदस्यों को राखियां बांधती है। कर्वे साहब आप एक मिसाल है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मेरा फर्ज निभाता हूँ। मेरा ये मानना है इंसान को वही काम करना चाहिए जिस काम करने को खुशी मिले। राघव मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई है कि तुमने आज दो वृद्धों को गोद लिया है। इस पुलित काम से जो तुम्हें खुशी मिलेगी ना, इसका कोई मोल नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर इंसान को घर से निकलने के पहले अपने माता पिता के चरण छू लेना चाहिए, जिससे दिल शुभ निकलता है और सारी बाधाएं दूर होती है। बात किसमें होते हुए बच्चे जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहते, और खुश होते हुए माँ बाप जिनके राघव जैसे बेटे होते हैं। अरे नव दंपति कहाँ है? आते ही होंगे, आप बैठिए। चलिए माँ संभल कर। आओ 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 माँ रुक्मणी। बैठो। अरे दूल्हे राजा कहाँ है? इन्हें दो जगह बहुत समय लगता है, एक शीशे के सामने और दूसरा बाथरूम में। अरे भाई विठल राव अब आ भी जाओ, इतना समय लगा रहे हो। आ रहे हैं भाई।
तो पढ़ लिया। डॉक्टर को बुलाओ। मुझे दवाई मालूम था कि तुम नहीं जाओ। नहीं, उसने कम से कम जी भर के मुझे बुलाया तो सही। मुझसे भी बड़ा मीठा मीठा बोल रहा। मैंने कहा इतना मीठा मत बोलो, जबान में चीटियां लगाई तो बगल में खिसक गया। इसी वजह से आपको कोई अपने घर नहीं बुलाता। मत बुलाए, हमें बुलाने वाला कोई मिल गया है? राघव जैसे ना रिश्ते का ना खून का। हमें लगता है कि वो तुमने हमें जबरदस्ती रखा। वो केक काटने के बाद विशा आपको क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैंने आपका घर है, अज्ञात से रहिए, ऐसा कुछ खुलकर नहीं कह पाया कभी। ये विशा ने बोला कि आप अपने मन से ही कह रहे हैं? अपने मन से क्या कहूंगा, उसी ने बोला। फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा कि मन दुखी मत करो, अब